सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। असम में वैसे लोग जो बाहर से आकर के रह रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए जो काम चल रहा था वो पूरा हुआ है और 19 लाख से ज़्यादा लोग वैसे हैं जो असम के नागरिक नहीं हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, बाहर से आकर के रह रहे हैं। लिहाजा NRC की जो लिस्ट अपडेट हुई है उसमें इन 19 लाख से ज़्यादा लोगों को बाहर कर दिया गया है। सवाल ये है कि NRC क्या है, असम से इसका क्या रिश्ता है और NRC को लेकर के पूरा जो इतिहास और विवाद रहा है वो क्या है, आज हम इसी की बात करते हैं। बात 1978 की है। असम में एक लोकसभा सीट है मांगलोडी। इस मांगलोडी सीट पर जो सांसद थे हीरालाल पटवारी, उनका निधन हो गया, लिहाजा चुनाव हो रहा था। चुनाव के दौरान ये देखा गया कि जो मतदाता सूची है उसमें वोटर्स की संख्या बहुत बढ़ गई अचानक। इसको लेकर के वहाँ के लोगों में आक्रोश हुआ और उनको लगने लगा कि ये वैसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बांग्लादेशी हैं। इस आक्रोश को केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं ना कहीं दरकिनार किया और वो नाम जो वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए थे रहने दिया। यह बवाल ऐसा था जो वहाँ के लोगों को आंदोलित कर गया। ये वही वक्त है जब असम में दो मजबूत आंदोलन चल रहे थे बाहरी लोगों को राज्य से खदेड़ने का, एक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और दूसरा असम गण संग्राम परिषद का। इन दोनों का कहना यह था कि असम के लोगों के ऊपर वो लोग बोझ बने हुए हैं, यहाँ की नौकरियाँ ले लेते हैं, यहाँ के साधन संसाधन पर वो लोग अपना कब्जा कर लेते हैं, वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, वो लोग जो असम के नहीं हैं, वो लोग जो यहाँ के लोगों के लिए संकट पैदा करते हैं, वो लोग जो यहाँ के लोगों का रोज़गार खा जाते हैं, बाहर जाने चाहिए। ये असम के लोगों के बीच में दोनों आंदोलन लगातार मजबूत ताकतवर होते गए और हर तबके के असम के लोगों ने, चाहे वो मुस्लिम या हिंदू या दूसरे धर्म के लोग थे, जितनी भी जमातें असम की थीं उसका समर्थन इन दोनों आंदोलनों को मिलने लगा। ये दोनों आंदोलन मजबूत होने लगे, ताकतवर होने लगे और इनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचने लगी। इन दोनों का, यानी असम गण संग्राम परिषद और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, मानना था कि राज्य के भीतर लगभग 30-33%, यानी कि 1/3 ऐसी आबादी रहती है जो राज्य की नहीं है, बाहरी है। मामला बांग्लादेशियों का था, उन्हीं घुसपैठियों का था जो बांग्लादेश से लगातार असम के भीतर आते रहे। इससे थोड़ा पीछे मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं, बात 1971 की है, क्योंकि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल कहां से आता है इसको समझना ज़रूरी है। 1971 में जब पाकिस्तान की फ़ौज, तब बांग्लादेश नहीं था, वो पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान बंटवारे के समय दो हिस्सों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज की तारीख में पाकिस्तान है और एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश कहा जाता है। 1971 में उसी पाकिस्तान के हिस्से से, जो पूर्वी पाकिस्तान तब था, बहुत सारे लोग भारत में आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज थी पश्चिमी पाकिस्तान की, वो लगातार पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार कर रही थी, वहाँ के लोगों पर जुल्म ढा रही थी और वहाँ लोग लगातार भागने लगे थे पाकिस्तान की उस फौज के डर से और पनाह लेने के लिए वो भारत में आने लगे थे और भारत के असम में ज़्यादातर आबादी ऐसी आई जो बांग्लादेश से भाग रही थी। असम में लोगों की तादाद बढ़ने लगी। इस दौरान तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था, जब पत्रकार ने पूछा कि आपके यहाँ बांग्लादेशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आप क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा था कि आज भी मेरे पास उनको रखने के लिए जगह नहीं है, पानी नाक के ऊपर आ गया है और चाहे जिस किसी भी धर्म के लोग हों, मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि जो शरणार्थी हैं उनको लौटना होगा, हमारे देश से बाहर जाना होगा, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। ये थी तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उसी 1971 में नवंबर का महीना था और वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में थी, भाषण दे रही थी छात्रों के बीच में। उन्होंने कहा था कि जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं भारत के ऊपर बोझ हैं और हमारी अस्थिरता और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा हैं, इनको बाहर जाना होगा। इसी समय पाकिस्तान के साथ तनातनी चल रही थी, बांग्लादेश में पाकिस्तानी फ़ौज कोहराम मचाए हुए थी, कत्लेआम मचाए हुए थी, उसकी जातियां लगातार बढ़ती जा रही थी। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करने की लड़ाई ठानी, वो बीड़ा उठाया।
भारत की फौज बांग्लादेश में घुसी और पाकिस्तान की तब जो फौज थी पूर्वी पाकिस्तान में उसने सरेंडर किया। 18 दिनों की लड़ाई के बाद बांग्लादेश एक नया देश बन गया। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था आ गया। उस समय भी जब लड़ाई चल रही थी या लड़ाई के बाद भी बांग्लादेशियों का भारत में आना लगातार बना रहा और बंद नहीं हुआ। असम और बांग्लादेश हमारे दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है। उस तरफ बांग्लादेश के गांव हैं और इस तरफ हमारे असम के या पश्चिम बंगाल के। आना जाना लगातार बना रहता है, आसान है। बॉर्डर पर निगरानी इतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए थी, इसलिए बांग्लादेशियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। एक अनुमान कहता है कि हिंदुस्तान के भीतर 4 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी रहते हैं। वो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मुंबई तक फैले हुए हैं, पसरे हुए हैं, रोजगार करते हैं, काम करते हैं और यहीं अब वो बस से गए हैं। उनकी 2 पीढ़ियां यहाँ आ गईं। मैं फिर से NRC पर लौटता हूँ। 1951 में असम में जो NRC बनाया गया उसको अपडेट करने की ज़रूरत बार बार महसूस हुई, क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली गई और वो कभी थमी नहीं। इसी वजह से असम के मूल लोगों ने बांग्लादेशियों और बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। 1978 में जो 2 आंदोलन थे, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद, ये 19 स्थानीय लोगों की मजबूत आवाज़ थे जो आवाज़ दिल्ली तक सुनाई पड़ रही थी। इसी दौरान 1983 में विधानसभा चुनाव हुए असम में। इन विधानसभा चुनाव का असम के लोगों ने बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि जो वोटर लिस्ट है, जिस तरीके से बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में जगह दी गई है, अब वही वोट करें, वही लोग चुने जाएं, उन्हीं की विधानसभा बने, हम अब वोट नहीं करेंगे। असम के लोगों ने 1983 विधानसभा का बहिष्कार किया और कहा यह जाता है कि जहां भी असम के लोगों की आबादी थी उन इलाकों में 3% मतदान हुआ। यह ऐसा एक मतदान था जिसमें कांग्रेस सत्ता में तो आई लेकिन वो खारिज सरकार थी जिसको लोगों ने नहीं माना। इसी दौरान 1983 में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ जिसको नेल्ली नरसंहार कहते हैं। असम के आदिवासियों ने बांग्लादेश से आए हुए लोगों की बस्ती को घेर लिया और 7 घंटे लगातार नरसंहार चला। इस हत्याकांड में लगभग 2 से 3 हज़ार लोग मारे गए। हिंदुस्तान का सबसे कम समय में सबसे बड़ा नरसंहार यही माना जाता है जिसको आप नेल्ली नरसंहार कहते हैं। नेल्ली नरसंहार को वहाँ के लोगों का समर्थन इतना ज़्यादा था कि किसी भी आदमी के खिलाफ जो इस नरसंहार में शामिल था, शरीक था, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नेल्ली नरसंहार के बाद दिल्ली की सरकार हिल गई। राजीव गांधी जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सत्ता में आए तो उन्होंने कोशिश की कि असम में स्थितियां सामान्य हो, वहां जो आंदोलन चल रहे हैं असम के मूल लोगों के, उन आंदोलनों से बात की जाए, नेताओं से बात की जाए और कोई रास्ता निकाला जाए। इसी दौरान 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने असम के उन नेताओं से बात की जो नौजवान नेता थे असम के, असम के लोगों की आवाज़ थे, असम गण परिषद और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेता थे। उनके ज़रिए जो बातचीत हुई राजीव गांधी की, उसको असम समझौता कहा जाता है। असम समझौता में ये तय हुआ कि वैसे लोग जो असम के भीतर बाहर से आए हुए हैं, रहते हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी। तय ये हुआ कि 1951 से 1961 के बीच में जो लोग आकर के बस गए वो नागरिक मान लिए जाएंगे। 1961 से 1971 के बीच में जो लोग आए उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, वो मतदान नहीं करेंगे, लेकिन नागरिक की बाकी जो हैसियत है, बाकी जो अधिकार है उनको दे दिए जाएंगे। 1971 के बाद जो लोग आए उनको नागरिक नहीं माना जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। यही समझौता असम समझौता कहा जाता है। और असम की बेहतरी विकास के लिए राजीव गांधी ने वहाँ रिफाइनरी लगाने और बाकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह लगाने की भी बात की। यह उस घोषणा पत्र में या यूँ कहे कि संधि पत्र में शामिल किया गया। इसके बाद 1985 में यह तय किया गया कि चुनाव कराया जाए। 1983 में जो चुनाव हुए थे उसको माना जा रहा था कि ये चुनाव असम के लोगों के ज़रिए चुने गए नुमाइंदों का नहीं था, ये वो सरकार नहीं जिसमें असम के लोगों की भागीदारी है, इसलिए 1985 में 2 साल बाद ही दोबारा चुनाव हुए। और इन चुनावों के लिए असम गण संग्राम परिषद और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, इन दोनों ने मिलकर के एक नया राजनीतिक मोर्चा तैयार किया जिसको असम गण परिषद कहा गया। उसके नेता हुए प्रफुल्ल कुमार महंता।
इस चुनाव के बाद असम गण परिषद सत्ता में आया और प्रफुल्ल कुमार महंता असम के मुख्यमंत्री बने। इस सरकार को 1985 से 1990 तक रहना था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो दिल्ली में 1989 में आई, उसने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, लिहाजा वो कार्यकाल असम गण परिषद की सरकार का पूरा नहीं हुआ। इसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन चुनाव नरसिम्हा राव सरकार के दौरान हुए, हितेश्वर सैकिया मुख्यमंत्री बने। आगे चुनाव होते चले गए और एनआरसी का मामला टलता चला गया, आंदोलन वहाँ जारी रहा, लोगों की मांग चलती रही। 1999 में जब दिल्ली में वाजपेयी की सरकार आई तो सरकार ने यह तय किया कि असम में बाहर से आए हुए लोगों की पहचान ज़रूरी है, लिहाजा एनआरसी को अपडेट किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 20 लाख रुपए का एक फंड अलग किया, 5 लाख रुपए जारी भी कर दिए, मगर बात कुछ आगे बढ़ी नहीं, गाड़ी रुकी रही। मई 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उसने एनआरसी को अपडेट करने का फैसला किया और उस वक्त असम में तरुण गोगोई की राज्य सरकार थी। बारपेटा और चायगांव, इन दोनों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अख्तियार किया गया, अपनाया गया, काम शुरू किया गया, लेकिन हिंसा भड़क गई। उस हिंसा के बाद यह काम ठप हो गया या रुक था गया। 2013 में असम के कुछ एनजीओ जिसमें असम पब्लिक वर्क भी शामिल था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस गुजारिश के साथ कि जो लोग भी असम में बाहर से आकर के रहते हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान की जाए। 2017 तक, यानी 2013 से लेकर 2017 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 40 सुनवाइयां की। इसी दौरान असम की सरकार ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि दिसंबर 2017 तक सरकार एनआरसी को अपडेट कर लेगी, और यह काम शुरू हो गया था। अभी जो एनआरसी तैयार किया जा रहा है जिसमें 19 लाख लोग ऐसे आए हैं जो बाहरी हैं, हो सकता है कि उसमें सवाल बहुत सारे हैं, पेचीदगियाँ बहुत हैं, बवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एनआरसी अपडेशन कोई गैर ज़रूरी मामला नहीं है, वो देश के हित में है, हक में है, ये हमें मानना चाहिए। दूसरे देश के लोग जो बाहर से आकर के हमारे देश के अंदर रहते हैं, हमारे देश के लोगों की नौकरियां वो खा जाते हैं, साधन संसाधन जो देश के हैं जिस पर यहाँ के नागरिकों का हक है उनके हिस्से में चला जाता है, यह हमारे लिए ठीक नहीं है, भारत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वैसे लोग जो बाहर से आकर के, खास करके बांग्लादेश से आकर के हमारे यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर चाहे किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में रहते हों, ये जो एनआरसी है आज असम में है, कल वो पश्चिम बंगाल में आएगा, बिहार में भी आएगा और बाकी राज्यों में भी जा सकता है। केंद्र सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि देश के अंदर बाहर से आकर के रहने वाले लोगों की पहचान करे और फिर उनको उनके देश लौटाए। किसी भी देश में बाहर से आने वाले लोग दो ही तरीके से रह सकते हैं, या तो शरणार्थी हैं या घुसपैठिए हैं। शरणार्थी सरकारी तरीके से, कानूनी तरीके से बनाया जाता है या कोई बनता है, घुसपैठिए गैर कानूनी तरीके से आते हैं, और इन दोनों की पहचान सरकार के पास होनी चाहिए, उनके साथ दुनिया में जो भी उसूल है उसके मुताबिक सलूक किया जाना चाहिए। एनआरसी के साथ हिंदुस्तान को खड़ा होना चाहिए। हाँ, उसमें जितनी भी दिक्कतें हैं, हमारा कोई नागरिक अगर उसमें फंसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर के लोग अगर आए हुए हैं और उनकी पहचान हो रही है, उनको बाहर भेजा जा रहा है या भेजने की तैयारी की जा रही है, तो उसके साथ देश के हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।